चीजें वैसी नहीं है जैसा हम देखते हैं, चीजें वैसी हैं जैसी वो हैं, चीजें वैसी नहीं है जैसा हम देखते हैं, चीजें वैसी हैं जैसी वो हैं। हेलो नमस्कार, मैं मिस्टर साइको गुरु राजेंद्र जोधप्रिया आज के इस साइको एजुकेशनल वीडियो टिप्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज ऑनलाइन काउंसलिंग साइकोथेरेपी मानसिक रोगियों के लिए एक नई उम्मीद, एक नई आशा की किरण लेकर के आई है। आज ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से मानसिक रोगों का इलाज आसान और सस्ता हो गया है। आज का वीडियो भी मेंटल हेल्थ सीरीज का ही हिस्सा है। चीजें वैसी नहीं है जैसा हम देखते हैं, चीजें वैसी है जैसी वो है। दिक्कत चीजों में नहीं है, दिक्कत चीजों को देखने के बाद उनका मीनिंग देना, उनको परसेप्शन के द्वारा कोई अर्थ दे देना। हमारा परसेप्शन कैसा है, हमारा प्रत्यक्षीकरण कैसा है, हम चीजों को देख से कौन से नजरिए से हैं। चीजें तो बस चीजें हैं, चीजें सबके लिए एक जैसी है, लेकिन देखने के बाद उसका इंटरप्रिटेशन मन के अंदर, एनालिसिस सबका अंदर अंदर अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बगीचे से गुजर रहे हैं, आपका मूड कुछ अच्छा है तो आपको फूलों को देख करके खुशबू आएगी और झूमने को मन करेगा। उसी बगीचे से एक व्यापारी गुजर रहा है जो लकड़ी का व्यापारी है, उसके मन में आएगा कि यहाँ लकड़ी महंगी है, इस पेड़ की लकड़ी, इस पौधे की लकड़ी किसी काम की नहीं है, वो लकड़ी के बारे में सोचेगा। और वहाँ पर एक इत्र बेचने वाला, खुशबू बेचने वाला एक व्यापारी भी जा रहा है, तो वो फूलों को देख करके ये अंदाज़ा लगाएगा कि इससे जो सेंट है, जो खुशबू वाला जो इत्र है, वो इससे अच्छा बनेगा, वो उसके बारे में सोचेगा। वहाँ से एक कवि निकले तो उसके मन में कविताएं उभरेंगी फूलों को देख करके, और वहाँ पर से एक प्रेमी निकले तो वो प्रेमिका के लिए कौन सा फूल अच्छा होगा इसका चुनाव करने में लग जाएगा, और वहीं से एक माली निकले तो वो ये देखेगा कि कौन से पौधे को पानी की ज़रूरत है, कौन से पौधे को खाद की ज़रूरत है। जितने भी इंसान गुजरेंगे सबका अपना अपना नज़रिया, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। तो आप इस वीडियो से इतना तो समझ गए होंगे कि चीज़ें वैसी नहीं है जैसी हम देखते हैं, चीज़ें वैसी है जैसी वो है। मानसिक परेशानियों में भी ऐसा ही होता है। मानसिक परेशानियां सभी के लिए नहीं होती, वो उन्हीं के लिए होती है जो मानसिक परेशानियों को मानसिक परेशानियों के रूप में देखते हैं। मानसिक रूप से कमज़ोर जो होते हैं, मेंटली जो वीक होते हैं, वो मानसिक रोगी बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि वो उसे मानसिक परेशानी या एक झमेला मान लेते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी सिचुएशन को, किसी पर्सन को, किसी भी मन में उठने वाले विचार को, किसी भी खतरनाक डेंजर थॉट को, किसी भी फ्यूचर फियर को। तो ये जितने फ्यूचर फियर हैं आज मानसिक रोगों का कारण इसीलिए बन रहे हैं क्योंकि इन्हें फ्यूचर का फियर मान लिया गया। जो लोग मान लेते हैं वो लोग बन जाते हैं, जो मानते हैं वैसे वो बन जाते हैं। तो आज से क्या मानना होगा, क्या करना होगा, इसके लिए हमें रियलिटी में आना होगा। जो जैसा है उसे वैसा ही देखना होगा, जो जैसा है उसे वैसा ही महसूस करना होगा, बिना किसी मीनिंग के, बिना किसी नाम दिए, बिना किसी इंटरप्रिटेशन किए हुए। क्या ये कर पाओगे, क्या ये हो पाएगा? अगर हो पा रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो पा रहा मुझसे बात कर सकते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग साइकोथेरेपी का सहारा ले सकते हैं। सिर्फ मैंने इतना बताया कि हमारा मतलब दे देना किसी वस्तु को, किसी वस्तु के ऊपर अपना ज्ञान थोप देना, किसी वस्तु के विषय में जजमेंट करना, किसी वस्तु के विषय में मीनिंग देना परेशानी का कारण है। विचारों से खुद को भर लेना है, एक श्रृंखला विचारों की उत्पन्न कर लेने वाला एक कृत्य है। इससे बचने के लिए द माइंडफुलनेस टेक्निक, DBT डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, द पावर ऑफ नाउ एक अद्भुत अमेजिंग थेरेपी, श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसी थेरेपी जो हमें सत्य का, रियलिटी का ज्ञान कराती है, और CBT कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हमें संज्ञानात्मक रूप से मजबूत करती है, जो सेल्फ को, खुद से खुद की बात क्या हो रही है, उसको अवेयर कैसे रहना है, उसको जज कैसे करना है, खुद को देखना कैसे है, ये CBT का भी हिस्सा है। और उसके बाद फ्यूचर को फियर में कन्वर्ट कर देना, फ्यूचर के फियर को कन्वर्ट कर देना पास्ट और प्रेजेंट में, ये काम बखूबी करती है डॉक्टर राकेश जी द्वारा एक अद्भुत निर्मित थेरेपी,
CDT कोग्नेटिव ड्रिल थेरेपी, जो इस मानवता के लिए एक अद्भुत वरदान है। आप मुझसे बात कर सकते हैं, किसी अन्य साइकोलॉजिस्ट काउंसलर से बात कर सकते हैं, चूक ना जाना ऑनलाइन मुझे अपनी मन की बात बताना। अगर आप मन की बात बताते हैं तो उस मन की बात मन में ना रह जाए और परेशानी खत्म हो जाए, ये करना मेरा कर्तव्य है। आप इन वीडियोज़ के लिए समय निकालते हैं और समय पर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भी बताते हैं। जोधपुरिया जी, आपके वीडियो हम में जोश भरते हैं और नया कुछ सीखने को मिलता है। इन सभी आपके द्वारा किए गए सहयोग और समर्थन के लिए मैं आपका तहे दिल से ऋणी हूँ।